फ्रेंड्स, अब हमको जो टॉपिक समझना है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बराबर। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझने के लिए हमको समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, मतलब भारत के संविधान को। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, अगर आपको इंडिया में कोई भी काम करना है, अगर आपको इंडिया में कोई भी काम करना है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, आप और मैं हूं, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में ही रहकर काम करना है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है वही आप कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 फ्रेंड्स क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 फ्रेंड्स बोलता है कि भारत में कोई भी टैक्स अगर लगाना है, लेवी करना है, आर्टिकल 265 क्या बोलता है? भारत में कोई भी टैक्स अगर लेवी करना है, लगाना है या कलेक्ट करना है, तो उसके लिए लॉ होना चाहिए। मतलब जब तक लॉ नहीं है तब तक आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। मतलब 265 एकदम क्लियर कर दिया। आर्टिकल 265 ने बोला कोई टैक्स लगाना है, लेवी करना है या कलेक्ट करना है, तो पहले क्या बनाओ? लॉ बनाओ। बगैर लॉ के मैं आपको टैक्स कलेक्ट करने नहीं दूंगा। ठीक है भाई, अब लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉ बनाएगा कौन? तो एक और आर्टिकल आया, आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ने बात करी लॉ मेकिंग पावर के बारे में। लॉ मेकिंग पावर के बारे में, किसके बारे में? लॉ मेकिंग पावर के बारे में। लॉ मेकिंग पावर के बारे में क्या बोला गया? लॉ बनाने का अधिकार दो लोगों को दिया गया। कौन दो लोगों को? एक दिया गया पार्लियामेंट को और दूसरा दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर को। देखो फिर से, आर्टिकल 265 ने क्या बोला? अगर कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, अगर कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, तो पहले लॉ बनाओ। तो लॉ कौन बनाएगा? तो आर्टिकल 245 ने बोला लॉ मेकिंग पावर। कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा होल ऑफ इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा होल ऑफ स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ स्टेट के लिए। क्लियर? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा पूरे भारत के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा होल ऑफ द स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। अब एक और आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ने बात करी डिवीजन ऑफ पावर की, कि पावर्स को डिवाइड कर दिया गया और डिवीजन ऑफ पावर के लिए रेफर करने बोला शेड्यूल 7। क्या रेफर करने बोला? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से एक बार समझेंगे, फिर शेड्यूल 7 पे जाएंगे। देखिए, अपन समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर जाके आप कोई काम कर नहीं सकते। तो आर्टिकल 265 बोलता है अगर आपको कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, तो पहले लॉ बनाओ। 245 बोलता है लॉ कौन बनाएगा? तो लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को भी है होल ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को भी है होल ऑफ स्टेट पार्ट ऑफ स्टेट के लिए। और फिर आर्टिकल 246 बात करता है डिवीजन ऑफ पावर की, कि पावर्स को हम डिवाइड कर दे रहे हैं और डिवीजन ऑफ पावर रेफर करने के लिए बोलता है शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब शेड्यूल 7 समझते हैं। तो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब आप देखोगे, तो ये शेड्यूल जो है ये डिवाइडेड है तीन पार्ट में। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में।
पार्ट वन विच इज कॉल्ड लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री. 246 क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर रिफर करने बोलता है शेड्यूल सेवन. बराबर, शेड्यूल सेवन जब देखा गया तो तीन लिस्ट में डिवाइडेड था, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री. लिस्ट वन इज नोन एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू इज नोन एज स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट थ्री इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट या रेसिडुअल लिस्ट. ठीक है. अब यूनियन लिस्ट में ऐसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे पॉइंट्स हैं 97 नंबर तक. इन पर जो बातें लिखी हैं वन से लेके 97, इनको बोलते हैं एंट्री नंबर. क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर. एंट्री नंबर वन से लेके 97 तक जो भी बातें लिखी हैं उन पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को है. पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इनको टच नहीं करेगी. सिमिलरली स्टेट लिस्ट में भी एंट्री नंबर है, 1, 2, 3, 4 ऐसे एंट्री नंबर है इसमें भी. इन पर लॉ बनाने का पावर किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर को. स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट टच नहीं करेगा. दोनों के पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. पार्लियामेंट को बोला गया भैया तुम्हारे जो लिस्ट वन में पावर्स है ना उन पर तुम लॉ बनाओ. लिस्ट टू वालों को बोला गया स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. और कॉन्करेंट या रेसिडुअल लिस्ट या लिस्ट थ्री जो है उसमें तीन नंबर ऐसे इधर भी हैं और इनको पावर दिया गया बोथ. बोथ मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है. यहां तक क्लियर हो गया? वापस एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो अपन समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब आर्टिकल 265 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. अगर कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो पहले लॉ बनाओ. ये 265 ने बोल दिया. तो ठीक है लॉ बनाएंगे तो कौन बनाएगा लॉ? तो लॉ बनाने का पावर आर्टिकल 245 बोलता है मैं दो लोगों को देता हूं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को. पार्लियामेंट लॉ बनाएगा होल ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा होल ऑफ स्टेट पार्ट ऑफ स्टेट के लिए. ठीक है. अब कौन किस बात पर लॉ बनाएगा इस पर झगड़ा ना हो इसलिए आर्टिकल 246 डाला गया और आर्टिकल 246 ने पावर्स को डिवाइड कर दिया और वो रेफर करने बोला शेड्यूल 7. अब जब आप शेड्यूल 7 ओपन करते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 इज नोन एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज नोन एज स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जितनी एंट्री नंबर्स हैं 1 से लेकर 97 तक उन पर जितनी बातें लिखी हैं वहां पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को है. स्टेट लिस्ट में जितनी बातें लिखी हैं उन पर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है. और कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी बातें लिखी हैं उन पर लॉ बनाने का पावर दोनों को है. बस यहीं से जीएसटी की दिक्कतें शुरू हुई. आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना था, बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई. क्या प्रॉब्लम थी सुनिए. यूनियन लिस्ट में लिखा था सर्विसेज और स्टेट लिस्ट में लिखा था गुड्स. मतलब सर्विसेज पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. और गुड्स पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास. क्या गुड्स के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? सोचो बाप, क्या गुड्स के ऊपर पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? नहीं सर, पावर ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. क्या सर्विसेज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? नहीं सर, पावर ही नहीं है. जिसकी लिस्ट में जो पावर वही वो काम करेगा. अब जीएसटी में क्या होने वाला था? जीएसटी में सर्विस का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करने वाला था. याद करो 17 टैक्सेस खत्म हुए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स खत्म किए हैं. तो सर्विस का टैक्स पार्लियामेंट भी कलेक्ट करेगा और स्टेट भी कलेक्ट करेगा. गुड्स का टैक्स स्टेट भी कलेक्ट करेगा और पार्लियामेंट भी कलेक्ट करेगा. लेकिन ये तो पावर ही नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की जरूरत थी. क्लियर हो गया? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की जरूरत थी, क्योंकि जीएसटी में जीएसटी जब आ रहा था तो सर्विसेज का पावर दोनों को दिया गया, यूनियन और स्टेट. गुड्स का पावर भी दोनों को दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था. क्योंकि इसका पावर इसको भी मिलने वाला था और गुड्स का पावर इसको भी मिलने वाला था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की जरूरत थी. अब अमेंडमेंट कैसे हुआ वो देखिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नई एंट्री, नया आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 246A. आर्टिकल 246A. और आर्टिकल 246A में क्या लिखा गया? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल
246 में कुछ भी लिखा हो, 246A विल प्रिवेल। मतलब अगर 246 और 246A के बीच में कभी झगड़ा हुआ तो 246A विल प्रिवेल। क्या बोला गया? आर्टिकल 246A डाला गया। यही तो अमेंडमेंट करना था। क्योंकि क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि शेड्यूल 7 बोल रहा था कि भैया सर्विस का पावर पार्लियामेंट के पास है और गुड्स का पावर स्टेट के पास है, जबकि दोनों का पावर दोनों को चाहिए था और वो अलाउ नहीं था। तो नया आर्टिकल डाला गया 246A, और क्या बोला गया? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 246 में कुछ भी लिखा हो 246A विल ओवरराइड। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246। अब इसमें डाले गए दो क्लॉज, क्लॉज वन क्लॉज टू। क्लॉज वन बोलता है सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, सब्जेक्ट टू क्लॉज टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल बोथ हैव पावर टू लेवे एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बस यही तो चाहिए था। 246 बोलता था, शेड्यूल 7 रिफर करो, शेड्यूल 7 बोलता था सर्विसेज का पावर पार्लियामेंट के पास, गुड्स का पावर स्टेट के पास, जबकि दोनों का पावर दोनों को चाहिए था, वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो 246A डाल के सरकार ने बोला 246 में कुछ भी लिखा हो 246A विल ओवरराइड। और 246A के क्लॉज 1 में क्या लिख दिया? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होगा गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगाने का। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन लिखा क्या है? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेवे एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसको बिल्कुल अंडरलाइन करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है अगर गुड्स और सर्विसेज का, तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, इंटर स्टेट अगर हो रहा है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अगर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे हैं गुड्स, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के पास पावर है। और इंटर स्टेट पर आपको मैंने बताया था कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। तो याद करिए, अपन ने देखा था आईजीएसटी का पूरा टैक्स कौन ले जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्लॉज वन क्या बोल रहा था? सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, मतलब क्लॉज वन बात करता है सिर्फ इंट्रा स्टेट की, विद इन दी स्टेट की। अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास पावर होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी याद आ रहा है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो पूरा का पूरा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? पार्लियामेंट कलेक्ट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट चिढ़ गए कि भैया जब हमारे स्टेट में सप्लाई होता है तो तुम बोलते हो दोनों के पास पावर है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है तो बोलते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है। मतलब पार्लियामेंट तो दो बार पावर यूज कर रही है और हम एक ही बार कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट चिढ़ गए, और बस इसी के कारण तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो रहा था। तो इसलिए सरकार ने एक और नया आर्टिकल डाला, आर्टिकल 269A। 269A ने क्या बोला? टैक्सेस कलेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अपॉर्शनड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। प्रॉब्लम सॉल्व। देखो 246A क्लॉज 1 ने क्या बोला? अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होगा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट करने का, लेकिन क्लॉज 2 बोलता है पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा इंटर स्टेट की सप्लाई पर।
मतलब इंट्रा स्टेट पर दोनों के पास पावर है, इंट्रा स्टेट पर दोनों के पास पावर है, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर विद इन दी एक स्टेट से दूसरे स्टेट है तो पार्लियामेंट के पास पावर है आईजीएसटी। तो मैंने आपको बताया था आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो बट जाता है स्टेट के साथ। तो 269A में लिख दिया गया, क्या लिखा गया, टैक्सेस कलेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट आईजीएसटी का जो भी टैक्स पार्लियामेंट कलेक्ट करेगा वो अपॉर्शनड हो जाएगा। अपॉर्शनड हो जाएगा मतलब बट जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जितना काउंसिल बोलेगा। तो देखो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, वापस एक बार देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। तो पहला आर्टिकल बोलता है 265 की कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है तो पहले लॉ बनाओ। तो लॉ कौन बनाएगा, तो 245 बोलता है पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगी, स्टेट भी लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी होल ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट लॉ बनाएगा होल ऑफ स्टेट पार्ट ऑफ स्टेट के लिए। अब पावर्स को डिवाइड कर दिया गया ताकि पार्लियामेंट स्टेट के बीच में झगड़ा ना हो, और पावर्स को डिवाइड करने के लिए क्या रेफर करने बोला गया, शेड्यूल 7। जब अपन ने शेड्यूल 7 ओपन किया तो वो डिवाइडेड था तीन पार्ट्स में, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज नोन एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज नोन एज स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 इज नोन एज कॉन्करेंट या रेसिडुअल लिस्ट। लिस्ट 1 में जितनी एंट्री नंबर्स हैं उन पर पावर है पार्लियामेंट के पास, लिस्ट 2 में जितनी एंट्री नंबर्स हैं उस पर पावर है स्टेट के पास, और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी एंट्री नंबर्स हैं उन पर पावर है दोनों के पास। दोनों लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट भी स्टेट भी। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई कि सर्विसेज लिखी थी लिस्ट 1 में और गुड्स लिखा था लिस्ट 2 में, मतलब सर्विसेज के पास, सर्विसेज का पावर पार्लियामेंट के पास है और गुड्स का पावर स्टेट के पास है, जबकि जीएसटी में दोनों को दोनों का पावर चाहिए, सर्विसेज का पावर भी दोनों को चाहिए पार्लियामेंट स्टेट को, गुड्स का पावर भी पार्लियामेंट स्टेट को चाहिए, बराबर। तो सरकार ने बोला क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए उन्होंने नई एंट्री डाली आर्टिकल 246 से, और बोला गया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246, 246 में कुछ भी लिखा हो 246A विल ओवरराइड। 246A इज डिवाइडेड इनटू टू क्लॉज, क्लॉज 1, क्लॉज 1 बोलता है सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हैव पावर टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ दोनों के पास पावर रहेगा। लेकिन क्लॉज 2 बोलता है अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट चढ़ गई कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो तुम पूरा टैक्स पार्लियामेंट को दे रहे हो, हमारा क्या। तो 269A डाला गया और उसमें बोला गया, आर्टिकल 269A बोलता है जो भी टैक्स पार्लियामेंट कलेक्ट करेगी इंटर स्टेट पर, इंटर स्टेट तो बट रहा है ना, इंटर स्टेट पर जो भी टैक्स सरकार कलेक्ट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, और वो किस रेशो में शेयर होगा वो कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। क्लियर हो गया यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्लियर। तो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ लिया, और इसी के कारण जीएसटी में 5 कानून आए। क्यों 5 कानून आए देखते हैं। सबसे पहले क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, फिर लगता है आईजीएसटी, अगर दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है तो आईजीएसटी, सेम स्टेट है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अंडमान एंड निकोबार से अंडमान एंड निकोबार में सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो आईजीएसटी। तो सीजीएसटी के लिए लॉ बनाया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। सीजीएसटी के लिए जो लॉ बना वो बना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एसजीएसटी के लिए जो लॉ बना वो बना स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। यूनियन टेरिटरी के लिए जो लॉ बना वो बना यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर होता है तो क्या लगता है, आईजीएसटी, तो होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और ये आईजीएसटी बटने वाला है, लेकिन हो सकता है जीएसटी आने के बाद, देखो कितने टैक्सेस खत्म हुए, 17 टैक्सेस खत्म हुए और एक अकेले टैक्स लाए, तो हो सकता है जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो, जितना उनको पहले टैक्स मिलता था हो सकता है उतना टैक्स ना मिले, अब उनका रेवेन्यू कम हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम इसके लिए आपको कंपनसेशन देंगे,
मतलब जीएसटी आने के बाद अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देने वाली है, और इसके लिए बना एक और एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। तो ये जो एक्ट है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, ये इसलिए बनाया गया कि अगर ये सब होने के बाद भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है, वो कैसे होगा वो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी, और उसके लिए कानून बना जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। क्लियर? तो टोटल 5 कानून जीएसटी में है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो सीजीएसटी पर लगता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो एसजीएसटी पर लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो आईजीएसटी पर लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो यूटीजीएसटी पर लगता है, और अगर स्टेट्स को लॉस हो रहा है तो कंपनसेशन देने के लिए एक और कानून बना जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। आपके कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपके कोर्स में आपको पढ़ना है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, आईजीएसटी पढ़ना है, यूटीजीएसटी का पढ़ना है, और जीएसटी कंपनसेशन। सिर्फ एसजीएसटी वाला लॉ आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आपको जीएसटी का बैकग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपना जीएसटी का बेस खत्म हो गया कि क्यों जीएसटी आया, हिस्ट्री देख ली, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख ली, जीएसटी काउंसिल अपन ने देख लिया कि पूरा पावर जीएसटी काउंसिल को दे दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है, नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 246 ए आए और 269 ए आए वो भी अपन ने समझ लिया।